हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वह आपका इंतज़ार खत्म हो चुका है। आपका जो टॉप का स्कोर था वो आ चुका है, सभी ने देख लिया होगा। अब इसके बारे में आज जो न्यूज़पेपर में जो छपा हुआ उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या है, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने हैं और कितने दिन में होने, सारे की सारी डिटेल्स आज के न्यूज़पेपर में जो भी है वो आज देखते हैं। तो एक बात को तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि आपकी कट ऑफ है ना, इतनी ज्यादा जाने वाले नहीं है, जैसे कि बोल रहे थे कि 65+ जाएगी, 70 के करीब जाएगी। नहीं, अब आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हो, हर बच्चा यहाँ से जान चुका। बाकी एक बार मैं बता देता हूँ, अब जिन बच्चों ने भी ना क्वालिफाई कर रखा 3,57,000 समथिंग जो भी है, 3,57,000 को सभी को यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एक बात तो पहले तो ये था कि किसको बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, वो इस पर्पज से कि किसी ने दावे कर रखे थे 5 नंबर के, 9 जॉब के या और कोई भी जैसे भी थे इनकम के, वो सारे के सारे अब जाँच होगी। तो यहाँ से हो सकता है कुछ बच्चे और भी निकल सकते हो या उनके नंबर कम आ सकते हैं, बहुत के कम आएंगे क्योंकि ज्यादा दे रखे थे सरकार ने। अब दस्तावेज अपलोड करने के लिए खुलेगा पोर्टल। टॉप 10 में सिर्फ 6 बेटियां हैं, यानी कि 60% रेशियो है टॉप 10 में। देख लो भाई, लड़कों तुम्हारा 40% है। सामान्य श्रेणी के 2023 अभ्यर्थी, ठीक है, सामान्य श्रेणी के 2023 अभ्यर्थियों के लिए 70% से ऊपर है, 2023 के लिए 70% से ऊपर है, 2023। अब बोल रहे थे कि सभी बोल रहे थे हमारे 70 से 80 से ऊपर है, 70 से 83 के बीच में 2023 है। जनरल की बात करते हैं, 60 से 70 के बीच में 16,194 है, 50 से 60 के बीच में 39,709 है। अब ये 38 से 49.5 यानी कि 50 के बीच में, अब ये बात बताओ जो 47.5 से पास होना था वो ये कैसे दे रखे हैं, ये तो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि इन्होंने दे कैसे रखे हैं। क्योंकि जो 47.5 से ऊपर करने थे, क्योंकि यहाँ जो 38 से हैं, जो जनरल में 38 वाला तो क्वालिफाई होता नहीं है, 47.5 नंबर वाला क्वालिफाई था, बट जैसे भी इन्होंने दिया है रिजल्ट। एसएससी की बात करते हैं, ये सारे के सारे बात करेंगे कि किसके कितने कितने नंबर आए हैं। उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूं कि अगर आपके मैथ्स में नंबर कम आते हैं और तो मैथ्स में नंबर कमा रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, मैथ्स की प्रैक्टिस सेट लगाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब चैनल के ऊपर और फ्री ही पीडीएफ है, क्वेश्चन सोल्यूशन आंसर सब कुछ फ्री है। आप चाहो तो इसको इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको सब फ्री मिल रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी में 70 से 81 के बीच में 183 बच्चे, 60 से 70 के बीच में 3,817, 50 से 60 के बीच में 18,770। यानी कि जो डेटा निकल के आ रहा ना, तो ये निकल के आ रहा है कि 50+ जिसका स्कोर है ना वो फाइनल में जाएगा जाएगा। सीधी सी बात यही है, हर स्टूडेंट की तो मैं नहीं कह सकता हूँ, कुछ में इस ऊपर भी हो सकती है, और लेकिन कुछ जहाँ पे डिप्लोमा डिग्री है तो उनका तो ये मान के चलो 50% 50+ नंबर वाला जाएगा, जैसे बोले थे ना 65-70 नहीं जाएगा। किसी किसी में जनरल की बात करते हैं तो 55 वाला सेफ है, जनरल की बात करते हैं तो 55 वाला सेफ है, और कोई भी कैटेगरी की बात करते हैं तो 50+ वाला सेफ है। बस सामान्य से बात तो ये है, इससे आगे कितना भी कुछ भी बोलते रहो, जो मर्जी है करते रहो विश्लेषण, बोलते रहो जो मर्जी आती है। इसके बाद ये सभी के डेटा दे रखे हैं न्यूज़पेपर में है। अब जो जरूरी बात वो यही है कि अभी नहीं बनेगी मेरिट लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट है वो अभी नहीं बनने वाली है। क्यों नहीं बनने वाली है देखो भाई, क्योंकि सीईटी के लिए जिन 35,57,562 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है उनके दावे के अनुसार रिजल्ट घोषित किया गया है। अब इन सब के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद ही पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट ने सही आवेदन किया है, क्योंकि यदि डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा पाए तो उनके दावे किए गए अंक घटा दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए पोर्टल बनाया जा रहा है, अभी पोर्टल बनाया नहीं, बनाया जा रहा है, इस पर 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा। इसके साथ ही मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, अभी कोई प्रॉपर मेरिट लिस्ट नहीं है ये, क्योंकि यहां से बहुत के कैंडिडेट के नंबर घटने वाले हैं, बहुत के बढ़ने वाले हैं, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट मेरिट बनेगी। तो आप 50+ हो कैटेगरी में और जनरल में 55+ हो तो आप सेफ हो। अब यहां आगे एक न्यूज ये भी दे रखी है कि सीईटी के लिए भी आवेदन खोले जाएंगे, ठीक है। सीईटी की अगर बात करते हैं ना, सॉरी सीटी के ग्रुप डी की, डी के लिए भी पोर्टल साथ खुलेगा समय सीमा तय। तो जिन बच्चों ने पहले तय कर रखा है, पहले फिल कर रखा है, तो वो तो सही है क्योंकि 10 लाख
50,000 ने पहले ग्रुप डी के लिए फॉर्म को फिल किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया वो कर दे, कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी एक बार, उसके बाद अपना प्रमोशन वगैरह लेते रहना टाइम के अनुसार। टॉप 10 में आए कैंडिडेट को चेयरमैन ने दी बधाई, चलो बधाई दी अच्छी बात है। तो आज की जो न्यूज थी वो यही थी, तो आपने आपका स्कोर देख लिया होगा, ये स्कोर था। हाँ, और यही बताना चाह रहा था कि मैं आप 50 प्लस 55 प्लस वाले क्वालिफाई हो, अच्छा स्कोर है आपका, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैथ्स कमजोर है तो आप मैथ्स की प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, हम आपके बिल्कुल 100 सेट करवाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री में है, और इनकी पीडीएफ भी मिलेगी जो कि क्वेश्चन और सॉल्यूशन सब कुछ आपको फ्री में दिया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।